हाँ बोलो। ठीक है, अभी तीनों चीज डिफाइन है ना हमारा, उसके बाद यहां से हमने क्या है स्टॉक को हाइड कर देना है। अब देखो इसमें इसके अंदर क्या है, हमारा स्टॉक राउंड है तो हमें सबसे पहले ये फ्लैट काटना है। ठीक है, ये चारों एक जैसा ही। अरे भाई ये रहा, यहां से भी कर सकते हैं, यहां 100 हो गया, यहां से हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है हाँ, और यहां से इसके ऊपर क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। अब ये देखो कि चारों जो है इसका फ्लैट है वो 90-90 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें काम किधर करना है पहले, तो हमें काम उधर ही करना है जिधर हमारी जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस क्या इस फेस के सामने है, हम इसको इसको कलर कर देता हूं मैं थोड़ा। इसको मैं इससे कलर कर दिया, ठीक है, यानी हमारी जेड एक्सिस इस साइड में है। तो हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी साइड में बनाएंगे, ना कि इस साइड में बनाएंगे। ठीक है हाँ, इसके अंदर अब देखो क्या होता है कि हम 2.5D का सारे प्रोग्राम चला सकते हैं इसमें। सॉलिड का ऑपरेशन में 2.5D ले लो, ये फ्लैट काटना है तो ये 2D का काम है, 2D से कट सकता है। ठीक है, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल ड्रिलिंग कुछ भी जो जिस टाइप का ऑपरेशन है वो ले सकते हैं। इसको बोलते हैं 4-एक्सिस इंडेक्सिंग। देखो न्यू ज्योमेट्री पे जाते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद न्यू ज्योमेट्री। यहां से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको एडिट करेंगे, इसको एक्सेंट को ठीक है। कितने का टूल लेना है इसमें, सेलेक्ट टूल, तुम बताओ कितने का। एक बार में तो 5 बार में काटना है, जितने बार में कटवाना है उतने बार में कटवा दूंगा। मान लो 10 का एंड मिल लेते हैं, ठीक है, और उसके उसके बाद लेवल पे गए। अब देखो लेवल पे क्या है, लेवल यहाँ पे अपर लेवल देना है, तो अपर लेवल इसमें जो ऑटोमेटिक ले रहा है वो कितना है, 50 ले रहा है। 50 कैसे ले रहा है, ये डायमीटर 100 का है, ठीक है, 100 डायमीटर है, कोऑर्डिनेट इसका सेंटर में है, तो सेंटर से ऊपर तक कितना 50 होता है ना, 85 हो गया, तो 50 इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे बाय टारगेट भी कर सकते हो, बाय स्टॉक भी करो तो ही 50 आएगा। मैनुअल तुम्हें सिलेक्ट करना है तो अपर लेवल पे क्लिक करो और यहाँ पे मैनुअल इस पे इस डैब पे क्लिक कर दो, 49.997, ठीक है, यही 50 आ गया पूरा पूरा। उसके बाद प्रोफाइल डेप्थ पे जाना है, प्रोफाइल डेप्थ कितनी है वो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, 12.5 mm एक साइड से। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आते हैं, उसके बाद यहाँ से ज्योमेट्री चेक करेंगे, कटर की पोजीशन सही है, कटर की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, फिनिश को ऑफ कर देंगे, रफिंग को ऑन कर देंगे, क्लियर ऑफसेट और यहाँ पे 0-0 कर देंगे, ठीक है, 0.5 का हम स्टेप डाउन दे देंगे और यहाँ से क्लियर ऑफसेट ऑन कर लेंगे। क्लियर ऑफसेट पे इसको पे जाएंगे, यहाँ तक इसको ऑफसेट चेक कर लेंगे कितना है, कितना हो गया 50 बता रहा है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 50 है ना, 50 में से 10 चला गया था, कितना बच गया 40, ठीक है। हम किस इस हाँ, तो हम इसको 41 mm क्लियर ऑफसेट देते हैं और 7 mm का स्टेप ओवर दे देंगे, जिग जैग में कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम इसको बस लिंक के अंदर कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से 7 कैलकुलेट कर देते हैं, प्रोग्राम बन गया ना, इसको चलाओ। ठीक है,
एक साइड का प्रोग्राम बन गया, ठीक है। देखो मैंने रफिंग से फिनिशिंग कर दिया है, ठीक है। रफिंग में हम जो ऑफसेट है फिनिशिंग अलाउंस उसको हम 0-0 रखेंगे तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि दूसरे साइड और इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सेम जैसा है ना, चारों साइड सेम एंगल पे कटा हुआ है और सेम प्रोफाइल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, ठीक है। इधर आता है फोर एक्सिस का ऑप्शन मिलेगा, फोर एक्सिस पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे इंक्लूड ओरिजिनल ऑपरेशन और यहाँ पे पूछता है एंगल, ठीक है। एंगल कितने डिग्री देना है, 90 डिग्री एंगल हो गया, चार कटना है तो। और उसके बाद कितने स्टेप करना है, एक ओरिजिनल है और तीन और, तो हम यहाँ पे तीन दिख रही है और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ओके करके सेव कर देंगे। एक ही प्रोग्राम चार जगह रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करो, सिमुलेट करो और यहाँ से सॉलिड वेरीफाई, यहाँ से प्ले। ठीक है, एक ही प्रोग्राम चार हो जाए चल गए।